तो उसके लिए आपको ये मॉनिटर खोलने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्यों दिखाई नहीं दे रहा ना? अच्छा हाँ। अंदर दिखाई दे गया। अभी देख ही रहा था तो आपने टोक दिया। मैं आपको आपका बैलेंस चेक करके बताती हूँ। पर मैं यहाँ बैलेंस चेक करने नहीं आया। तो फिर क्यों आया? देखिए मेरा कोई अकाउंट नहीं मैडम, दरअसल मैं बैंक में अपना अकाउंट खोलने आया। दैट्स सिली, टोटल सिली। नो अकाउंट और बैलेंस पता करने आए। व्हाट आर यू डूइंग हियर? नो दैट्स सिली। आप एक काम कीजिए, ये फॉर्म भर के लाइए। ओके दैट्स सिली ना शुक्ला जी, ये कंप्यूटर है, ऐसे नहीं चलाते इसको। तो कैसे चलाते? हम बताएं कैसे चलाते? तुम बताओगे? कंप्यूटर में डिप्लोमा है, वो तो आपकी तकदीर अच्छी है कि आप क्लर्क हैं और मैं। अब पांडे बे शुक्ला, पांडे जी, शुक्ला जी, हम क्या कीजिए समझे? आप कोटे से आए, कोटे में ही रहिए, मुझे मेरा काम मत समझाइए। पांडे साहब ने बुलाया आपको। दैट्स व्हाई आई हेट सिगरेट्स, आई हेट। देखिए मिस्टर ना, आज के बाद अगर आपने मेरे नाम के आगे जी लगाया ना, आत्महत्या कर लूंगा मैं। क्या है पांडे? हम जोड़ दें? नहीं, हो गया। तो कुछ और जुड़वा लो। क्या? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। देख लो कहीं कुछ टूटा फूटा हो तो। नहीं, कुछ भी। पांडे जी, मिस्टर ना, मैंने नहीं बुलाया, भाटिया साहब बुला रहे हैं आपको। बगैर मेरे नाम के आगे जी लगा? जी। तो फिर हमें नहीं बुलाया? ओ पांडे जी, अब बुलाया, बाद में जोड़ता हूँ। कस्टमर होगी टाइम पास? दोनों में से कोई नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? मुसद्दीलाल चड्डा। ये कौन होते हैं? मुसद्दीलाल चड्डा तो मुसद्दीलाल चड्डा ही होते हैं। यहाँ क्या करने आए, डाका डालने? शक्ल से मैं डाकू दिखाई देता हूँ आपको? शक्ल से तो मैं भी चपरासी नहीं लगता हूँ, लेकिन हूँ। अच्छा, किसने कहा? क्या कि मैं चपरासी दिखता हूँ? नहीं नहीं, यही कि आप चपरासी नहीं दिखते हैं, आप तो खानदानी चपरासी लगते हैं। यहाँ क्या करने आया? ये अकाउंट खोलने आया। कल आइए। कल तो संडे है। मंडे आइए। मंडे को तो बैंक हॉलीडे। ट्यूसडे आइए। अरे ट्यूसडे सुबह तो मुझे चले जाना है, मेरी साली की शादी है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आइए। नेक्स्ट मॉर्निंग आऊंगा तो फिर साली की शादी में कैसे पहुंच पाऊंगा? तो अभी जाके क्या कर लेंगे? अच्छा ये बताएंगे कि फॉर्म कहाँ मिलता है? शुक्ला जी के पास। एक्सक्यूज मी भाई साहब, टाइम हो गया है बैंक क्लोज होने का, कल आइए। बस सब सर, मैंने एक ही बात पूछनी थी। बैलेंस छोड़ के जो मर्जी पूछूंगी भाई। बैलेंस तो तब पूछूंगा ना जब अकाउंट होगा मेरा। तो बड़े इंटेलिजेंट हैं आप। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं कि अकाउंट कहीं और खुलवाते हैं, बैलेंस यहाँ पता करने। अरे नहीं नहीं सर, मैं अकाउंट भी यहीं खुलवाऊंगा और बैलेंस भी यहीं पता करने के लिए आऊंगा। गुड, अकाउंट लिंक कल खुलवा लीजिएगा। अभी देखिए ना, स्टाफ पूरा नहीं आया, अभी पटेल साहब भी नहीं आए। कल आ जाइए आप। कल तो संडे है सर। तो मंडे को आ जाइए। मंडे कौन सा दूर है? मंडे को तो बैंक हॉलीडे है। तो मतलब नेक्स्ट डे आइए, हॉलीडे वाले मना के आराम से मॉर्निंग में। नहीं सर, ट्यूसडे मॉर्निंग मुझे जाना है, मेरी साली की शादी है। तो ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग चले जाइए। अरे नेक्स्ट मॉर्निंग जाके मैं क्या करूंगा जब शादी हो चुकी होगी? तो वैसे भी शादी पे पहुंच के क्या कर लेंगे आप? साली की शादी में पहुंच के मैं क्या कर लूंगा शादी। भाई साहब ये मेरा पर्सनल मामला है, आप प्लीज मुझे एक फॉर्म दे दीजिए बस। हाँ, एक मिनट मिस्टीना साहब को एक फॉर्म दीजिए जरा। अरे वो एक्चुअली बैंक हो गया है और टाइम बंद होने वाला है। जी जी, मेरा मतलब है टाइम हो गया है और बैंक बंद होने वाला है। देखिए अगर आप मुझे फॉर्म दे रही हैं तो बता दीजिए, नहीं तो मैं किसी दूसरे बैंक जाके अकाउंट खोल लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, देती हूँ ना। अच्छा ये फॉर्म भर के आप उषा जी के पास जमा कर दीजिएगा। जी हाँ, पीलू बेटा लिखो, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 3, 6, 2 × 8। मैडम 2 × 5, 10, 2 × 6, 12। मैडम क्या है? जी वो मैं दिखता नहीं, मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ। जी मुझे वो एक अकाउंट खोलना था। लेकिन मैं अभी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, बाद में आइए। जी बाद में तो बैंक बंद हो जाएगा ना मैडम। लेकिन बाद में मेरे बच्चे का अकाउंट बंद हो जाएगा। हैं जी, अब कल आ जाओ आप। कल तो संडे है। तो परसों तो बैंक हॉलीडे है मंडे को। तो ट्यूसडे को आओ ना। नहीं मैडम, ट्यूसडे तक मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग मुझे अपनी शादी की शादी में जाना है। यही तो, नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, शादी रुकने वाली है क्या? नहीं अच्छा मैडम देखिए, आप ये चेक मुझे जमा करना है, बहुत जरूरी है, आप जरा फॉर्म देख लीजिए। अच्छा ठीक है, आपको 2 का टेबल आता है? हाँ, पढ़ा दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, मुसद्दीलाल अंकल, 2 × 2, 2 × 4, मुसद्दीलाल चड्डा। चड्डा चड्डा नहीं बेटा, 2 × 4, हाँ 2 × 3, नहीं चड्डा नहीं, 2 × 3, 6। ये फोटो आपकी है? हाँ जी मेरी। 2 × 8, 2 × 5, 10। राशन कार्ड कहाँ है? एक सेकंड होल्ड करना बेटा, राशन कार्ड तो नहीं है मेरे पास। क्यों? मैं नया नया आया हूँ ना इस शहर में। क्यों भाई? वो
वहाँ सहारनपुर में इनकम नहीं हो रही थी तो यहाँ आ गया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, इनकम टैक्स नंबर दे दो। अरे जब इनकम ही नहीं हो रही थी तो इनकम टैक्स नंबर कहाँ से दूंगा मैं आपको? अरे बाप रे, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, अभी राशन कार्ड के बगैर ये सब कैसे हो सकता है? आप एक काम कीजिए, आप भाटिया साहब से मिलिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। हाँ जी। बड़ी तकलीफ होती है बिना राशन कार्ड के। सो तो हो रही है सर। नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राशन की बात कर रहा हूँ। राशन तो आपको ब्लैक में लेना पड़ता होगा ना? बहुत प्रॉब्लम है सर, किसी तरह से कुछ हेल्प कीजिए। नहीं, हम जरूर करेंगे, राशन के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि कस्टमर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप कल आइए। जी थैंक। सर आप बोल रहे हैं कल संडे है? ओह आई एम सॉरी, एनीवे मंडे नया दिन नई शुरुआत। सर मंडे बैंक हॉलीडे है और ट्यूजडे तक मैं इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि ट्यूजडे को मुझे हर हालत में छत्तीसगढ़ जाना है। छत्तीसगढ़? अरे वहाँ तो वेडनेसडे को भी जा सकते हैं, वो लोग मना नहीं करते। नहीं नहीं सर, मैं वेडनेसडे को वहाँ पे गया तो मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि वेडनेसडे वहाँ पहुँचने से पहले ही मेरी साली की शादी हो चुकी होगी। हैं? आप शादी में जा रहे हैं? जी। देखिए बुरा ना माने तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। देखिए बड़े दिन हो गए शादी का खाना नहीं खाया, एक काम करते हैं दोनों साथ चलते हैं, दोनों भाई मिलके, और वापस आके अकाउंट खुलवा लेंगे, तब तो कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। नहीं सर, वापस आके अकाउंट खुलवाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मुझे ये चेक जो है ये जमा करना है। अगर मैंने जाने से पहले ये चेक जमा नहीं किया तो मुझे डर है कि वापस लौटने तक कहीं ये चेक बाउंस ना हो जाए। ओए तो सिर्फ पंजाबी हो? ना हूं मैं पंजाबी, ना पंजाबियों का काम छेती हो जाता है। नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा थी पंजाबियों की शादियों खाने का इंतजाम बड़ा अच्छा होता है। तुम्हारे सर, मैं यहाँ पे चेक की बात कर रहा हूँ और आप। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, आपने अर्जुन को देखा? अर्जुन? ये अर्जुन कौन है? महाभारत वाला? नहीं मैंने तो नहीं देखा। ना आपने देखा? नहीं नहीं, देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह से मुझे सिर्फ आपकी साली की आंख दिखाई दे रही है। नहीं नहीं नहीं, शादी दिखाई दे रही है। एक काम करते हैं, बाय रोड चलते हैं, मैं बैंक की कार मंगवा लेता हूँ, दोनों साथ चलेंगे, आपका किराया भी बच जाएगा। लेकिन सर मेरे अकाउंट का क्या होगा? वो तो आने के बाद खुलवाएंगे। पटेल साहब, महाराज अकाउंट तो। हेलो सर, कैसे हैं आप सर? ओए पटेल साहब, ये क्या तरीका है, ये कोई टाइम है आने का? सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छी तरह से आपको पता है कि एक बार हलवे का नाम हमारे कान में पड़ जाए और जब तक मुंह में ना जाए कोई काम नहीं होता, मतलब बैंक का कोई काम नहीं होता। कस्टमर्स को कितनी तकलीफ होती है, अरे बैंक की बदनामी होती है। We are here to work, भाई। Sorry sir, actually वो वाइफ ने देर लगा दी क्या? नहीं सर, सुबह सुबह रात वाली ट्रेजेडी हो गई सर। हाँ, ये क्या कफन बांधे घूम रहे, क्या हुआ क्या? आ, 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 सर, दरअसल मैंने सुबह सुबह वाइफ से कहा कि भाटिया साहब ने लौकी का हलवा मंगाया है, बना कर दो, तो वाइफ ने साफ मना कर दिया सर। तो तुमने उसको वार्निंग दी कि बनाओ वरना दो बातें हो जाएंगी? सर मैंने बिल्कुल यही कहा कि बनाओ वरना दो बातें हो जाएगी, या तो बिना हलवे के गया तो भाटिया साहब बिगड़ेंगे या तो नहीं बिगड़ेंगे। नहीं बिगड़ेंगे, इतने शरीफ तो है नहीं भाटिया साहब, और बिगड़े तो दो बातें होगी, या तो मुझे नोटिस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो ठीक, मगर मिल गया तो दो बातें होंगी, या तो मेरी नौकरी जाएगी या तो नहीं जाएगी। नहीं गई तो ठीक, मगर जाएगी तो दो बातें होंगी, या तो मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। बैंक वालों को दूसरी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और अगर नहीं मिले तो दो बातें होंगी, या तो मैं तुम्हारे लिए मेकअप का सामान लाऊंगा या तो नहीं लाऊंगा। लाऊंगा कहां से, और अगर नहीं लाया तो दो बातें होगी, या तो तुम मेकअप करोगी या तो नहीं करोगी। मेकअप कहां से करोगी, और नहीं कराया तो फिर तुम्हें ऐसी हालत में झेलना मुश्किल हो जाएगा। इतना सा काम मैंने, और मेरी वाइफ ने मेरे सर पर फूल मारा सर। फूल? नहीं नहीं नहीं, फूल से इतनी बड़ी चोट तो नहीं आ सकती, फूल के साथ फूलदान भी रहा होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता? मैं तो रोज ऐसे कई फूल झेलता हूँ सर, लेकिन मैं सिर्फ हलवा खाता हूँ। फिर क्या हुआ, उसने हलवा बनाया या फिर दो बातें हो गई? नहीं सर, फिर सिर्फ एक बात हुई सर। क्या? मैंने खुद ने हलवा बनाया, मैंने खुद ने, इसलिए देर हो गई सर। ये लीजिए, गरम गरम है, चम्मच भी है, चम्मच है सर, चम्मच। वाह पटेल वाह, तुम तो अपनी वाइफ से भी अच्छा बनाते हो भाई। अरे कहां सर, मेरी वाइफ तो मुझे पिछले 10 साल से बना रही है, मैं तो आपको सिर्फ 2 साल से बना रहा हूँ। क्या हलवा सर? हलवा हलवा सर, मेरा क्या होगा? आपका तो फिक्स हो गया ना, ट्यूजडे मॉर्निंग छत्तीसगढ़ बाई कार हम दोनों। नहीं नहीं, अकाउंट का। कौन सा अकाउंट? जी मेरे अकाउंट का। क्या नंबर? क्या नंबर तो अभी है नहीं ना, अभी तो अकाउंट खुला ही नहीं है ना। लो अभी तो खुलवाया नहीं यार, तो जल्दी खुलवाओ, हमारे बैंक में तो नई नई स्कीमें निकली हुई है। नहीं सर, मैंने आपको बताया था ना कि ना मेरे पास राशन कार्ड है और ना इनकम टैक्स नंबर है। अच्छा तो मकान नंबर है? या मकान नंबर तो है, उसका कोई प्रूफ है? है पर अभी यहाँ नहीं है। हाँ तो जाकर लेकर आओ, सोसाइटी का लेटर या कुछ मैं बना कर देता हूँ। अच्छा बस इतनी सिंपल सी बात है? हाँ? अभी लेके आता हूँ, लौट के जरूर आना। सर मैं ये क्या आ रहा, एक्सक्यूज मी, ओके वेरी नाइस है। थैंक यू सर, कैसा बनाया है?
अरे भी कहा ना अच्छा बनाते हो, चलो ठीक है। थैंक यू सर। एंटी टबैको यूनियन में काम करते हो क्या? नहीं तो? तो फिर मेरी खैनी क्यों गिरा दी? सॉरी। पता नहीं आ जाते हैं कहां से। ये लीजिए भाई, आपका काम तो हो गया। ठीक है, अभी जब राशन कार्ड बन जाएगा तो जेरोक्स यहाँ पर भेज देना। जी हाँ, और यहाँ पर साइन कीजिए। जी अच्छा, एक साइन और कर देना। एक साइन और कहाँ? यहाँ। एक साइन और क्यों? ये स्पेसिमेंट सिग्नेचर कहते हैं, तो जब भी बैंक से पैसा निकालना हो तो यही सिग्नेचर चलेगी। ओके, अब वो गारंटी क्या है? कैसी गारंटी? आपकी गारंटी। मेरी गारंटी? हाँ मतलब आपकी गारंटी क्या है? कैसी बात कर रहे हैं पटेल साहब, मैं कोई वॉशिंग मशीन हूँ जिसकी गारंटी होगी? तो भाई साहब, आजकल वॉशिंग मशीन की गारंटी ना हुई ना तो चलता है, मगर आदमी की गारंटी जरूरी है। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि बिना गारंटी के कोई अकाउंट नहीं खुलता। जाइए, किसी की गारंटी ले आइए आप। कैसी गारंटी? अरे किसी ऐसे आदमी की जो यहाँ पर साइन करे कि वो आपको जानता है। कहाँ से लेके आऊँ गारंटी सर? मतलब आप इंसानियत के नाते इंसानियत पर भरोसा तो कीजिए। नहीं, इंसानियत पर तो भरोसा है, इंसान पर भरोसा नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं पटेल साहब आप। मतलब अकाउंट मैं खोल रहा हूँ, पैसा उसके अंदर मैं जमा करूंगा, मैं ही उसमें से पैसा ड्रॉ करूंगा, तो किसी और की गारंटी का मतलब क्या निकलता है? देखिए भाई साहब, गारंटी तो लानी पड़ेगी आपको। अगर नहीं लाए तो दो बातें हो सकती है, या तो तुम फ्रॉड होंगे या तो नहीं होंगे। फ्रॉड नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, फ्रॉड हुए तो दो बातें होंगी, या तो तुम फ्रॉड करोगे या तो नहीं करोगे। नहीं करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और फ्रॉड किया तो दो बातें होंगी, या तो बैंक को पैसा भरना पड़ेगा या तो लोग तुम्हें ढूंढेंगे। बैंक पैसा भरेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और लोग तुम्हें ढूंढेंगे तो दो बातें होंगी, या तो तुम मिलोगे या तो नहीं मिलोगे। तुम मिलोगे इसकी क्या गारंटी है, और नहीं मिले तो कम से कम तुम्हारे गारंटर को तो पकड़ सकते हैं वो लोग। नहीं नहीं पटेल साहब, मैं कोई फ्रॉड आदमी नहीं हूँ। हाँ मगर ये आपके माथे पर तो नहीं लिखा है ना? देखा, नहीं लिखा है। और क्या है, ये बैंक के नियम है। और क्यों शुक्ला जी? क्या 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 हुआ पटेल साहब? गारंटी नहीं है और अकाउंट खोलना। गारंटी नहीं है आपके पास? जी कैसी गारंटी नहीं है? तो अब अकाउंट भी खुलेगा, इसकी क्या गारंटी सर? नहीं मगर मैं यहाँ किसी को जानता ही नहीं, तो गारंटी कहाँ से लेके आऊँ? तो जानिए ना, सोचिए, ढूंढिए, पता कीजिए। अब पता भी लग जाए इस बात की क्या गारंटी है। अरे हाँ, एक सब्जी वाला है जो मेरा मालिक मकान भी है, उसकी गारंटी चलेगी? सब्जी वाला? जी हाँ, यही बस बैंक के नीचे पास ही में उसकी दुकान है, वो ले आऊं। दुकान? दुकान नहीं, सब्जी वाले को ले आऊं गारंटी के लिए। हाँ चलेगी, मगर जब तक तुम वापस आओगे तब तक बैंक बंद हो गया होगा, कल ले आना। पटेल साहब कल संडे है। हाँ, तो मंडे ले आना। मंडे बैंक हॉलीडे है, और ट्यूजडे को 15 दिन के लिए मैं अपनी साली की शादी पे जा रहा हूँ सर। 15 दिन के लिए साली की शादी में? क्या गुरु, हनीमून पर भी साथ ही जा रहे हो क्या? साली के साथ हनीमून पे आप हंस रहे हैं क्या? नहीं भाई, वो साली के साथ हनीमून पे नहीं जा रहा हूं मैं, मतलब ये मेरा पर्सनल मामला, आप समझ लीजिए कि मैं किसी काम से जा रहा हूं। तो अकाउंट खुलवा के क्या करोगे? हाँ जी, पैसे जमा कर करूंगा। अरे पर जब काम से जा रहे हो इतने दिनों के लिए, तो पैसे जमा करके अकाउंट खोलने से फायदा क्या है भाई साहब? अच्छा, तो वैसे ही जा रहा हूं, चलो। अरे जब जहां भी जा रहे हो जल्दी चल जाओ डार्लिंग, अगर हम लोग चल गए ना तो दिक्कत हो जाएगी ना। बस मैं समझ लीजिए यूं गया और यूं आया बस। बाप रे, कहां कहां से आ जाता। क्या उषा जी? ओ उषा जी, पिल्लू को टेबल याद हुए कि नहीं? क्या बताऊं पटेल साहब, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। एक का याद किया तो दो का भूल जाता है, दो का याद किया तो एक का भूल जाता है। आप प्लीज हेल्प कीजिए ना। हाँ श्योर श्योर, कौन सा दो नंबर की लाइन? हाँ हाँ हाँ, पिल्लू बेटा, पटेल मामा बोल रहा हूँ। हाँ देखो, ध्यान से सुनो। बेकुबे बे दू चार बे तरी छ, सुनो ना, बे चौक आठ। आई हरिचरण जी, आ जाइए, वो है सामने पटेल साहब। पांडे जी ने ना। अजी पटेल साहब, पटेल साहब। क्या है? पर मैं गारंटर को ले आया। फॉर्म कहाँ है आपका? फॉर्म तो मैं आपको देके गया था ना। हाँ, वो मेरी टेबल पे है, दो। जी जी अच्छा। पटेल साहब, ये सर्कुलर देखा आपने? हाँ देखा, इसके लिए तो स्ट्राइक होने जा रही है अगले महीने, ऑल इंडिया लेवल पर स्ट्राइक है। पटेल साहब, इस बार थोड़ी लंबी करना स्ट्राइक, घूम नहीं पाते, बीवी बहुत लती आती है। अरे बीवी की नाराजगी का तो नाम ही मत लेना मेरे सामने। पटेल साहब, जब उसने मारा था तो आपको झुक जाना चाहिए। अरे झुक गया था तभी तो। नहीं झुकते? हाँ फिर तो और पड़ती ना। जी पटेल साहब। हाँ सर, ये फॉर्म है और ये गारंटर है। हाँ देखें।
अरे भाई साइन तो करो। कहाँ करूँ? यहाँ कर दिया। शुक्ला जी की बात बताऊँ, ये बीवी की ज्यादा मार से बचना हो ना, एक थप्पड़ खा लेने गया। ये लीजिए पटेल साहब, हो गया साइन। अरे अकाउंट नंबर तो लिखो। मेरा? तो क्या मेरा अकाउंट नंबर तो नहीं है? नहीं है। मकान नंबर चलेगा? अरे अकाउंट नहीं है तो साइन क्यों किया? आपने कहा था गारंटर लाने के लिए, मैं गारंटर लेके आया हूँ। अरे हाँ, मगर गारंटी उसकी चलती है जिसका यहाँ पर अकाउंट हो। ये बात तो आपने मुझे पहले नहीं बताई थी। भाई साहब पहली बार अकाउंट खुलवा रहे क्या? जी हाँ पहली बार खुलवा रहा हूँ, और लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। ओ भाई साहब आप खुद यहाँ आए थे, हमने आपको नहीं बुलाया था यहाँ। इसीलिए तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे तो किसी दूसरे बैंक में चले जाना चाहिए था। तो अभी चले जाइए ना। अभी कैसे जाऊँ, सारे बैंक बंद हो चुके हैं। हाँ तो कल जाइएगा, कल तो संडे है ना। अरे तो मंडे चले जाइए ना। मंडे तो बैंक हॉलीडे है। हाँ पर बैंक को ट्यूसडे तो खुला है ना। मतलब ट्यूसडे को तो बैंक खुला है ना। नहीं नहीं ट्यूसडे नहीं, ट्यूसडे को तो हम उनकी शादी की साली में जा रहे हैं ना, छत्तीसगढ़। सर शादी की साली में नहीं, साली की शादी में। लेकिन बात तो वही है भाई, आपका अकाउंट तो आज ही खुलवाना पड़ेगा। सर कब से कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा चेक आज जमा हो सकेगा। ऐसा हो नहीं सकता, आपका अकाउंट आज ही खुलेगा और यही खुलेगा। यही तो, पर कैसे? ये सोचना इनका काम है, हमने अपना काम कर दिया। अब भाई साहब आप अपना काम कीजिए। तो मैं क्या करूं? अरे आपको एक ऐसा गारंटर लाना है जिसका इस बैंक में अकाउंट हो। पर मैं लेके तो आऊँ गारंटर ये। वेरी गुड। हाँ पर भाटिया साहब इनका इस बैंक में अकाउंट नहीं है। तो मैं अपना अकाउंट खुलवा लेता हूँ ना। गुड आइडिया। हाँ मिस्टर ना फॉर्म दे दो। यही तो, नीचे से फोटो खिंचवा लाओ। लेकिन एक मिनट, इसकी गारंटी कौन देगा? इनकी, ये तो गारंटर है, इनकी गारंटी क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, इनकी गारंटी नहीं चलेगी ना, इनका अकाउंट नहीं है ना। हाँ मगर इसकी गारंटी कौन देगा कि ये फ्रॉड नहीं है? इनकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन आपकी गारंटी कौन लेगा? मेरी गारंटी ये लेंगे। अरे यार ये क्या कंफ्यूजन क्या है ये? देखो कंफ्यूजन नहीं है बाटिया साहब, इनकी गारंटी मैं दूंगा और ये मेरी गारंटी देंगे। यही तो, पर तुम दोनों की गारंटी कौन देगा? हम दोनों की है कोई माइकल आए जो आप दोनों की गारंटी दे सके? जद्दी साहब मैं तो चलता हूँ, वरना वहां मेरी दुकान की गारंटी खत्म हो जाएगी। अरे सुधीर लाल जी आप कहाँ जा रहे हैं? शादी में चाहिए। ये तो अकाउंट खुलने से पहले ही क्लोज हो गया। अभी आ जाएगा। अरे कैसे आ जाएगा? पांडे जी गए ना। ओ देख के दरवाजा नहीं खोल सकते? तीन बार मारा आपने, हमने कुछ बोला? एक ही बार तो मारा, लग गया कोई बात नहीं। सॉरी क्या हुआ, आपके बैंक अकाउंट का खुल गया? अरे हमारे बैंक अकाउंट का क्या हो सकता है, हमारे पास तो कोई गारंटर नहीं है। डोंट वरी मंगलराम जी, देखो ना गारंटी क्या। हाँ आपकी गारंटी यही देंगे। ये मेरी गारंटी देगा? जी हाँ, इस बैंक में 70% लोगों की गारंटी इन्होंने दी है। ये गारंटी कार्ड है क्या? हाँ 500 रुपए लेते हैं एक सिग्नेचर के। 500 रुपए लेते हैं एक सिग्नेचर के? ऐसी क्या खास बात है इनके सिग्नेचर में? भैया इनका अकाउंट है यहाँ, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन इन्हीं का तो है। अच्छा तो क्या गारंटी है कि ये फ्रॉड नहीं है? यही तो, ये फ्रॉड नहीं है क्योंकि ये यही नीचे बैठ के मांगते हैं। क्या? अच्छा इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ से भागेंगे नहीं? इसकी भागेगा हम देते हैं कि ये गारंटी नहीं है। आई मीन इसकी गारंटी हम देते हैं कि ये नहीं भागेगा। अरे भाई आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? अरे भाई कह रहे हैं ना ये बैंक बंद हो जाएगा लेकिन ये यही रहेंगे। अच्छा जी हाँ, ये बिल्डिंग जिसमें ये बैंक है इन्हीं की है। क्या साइन कहाँ करने का, जल्दी बोल, धंधे का टाइम हो रहा है जी। अच्छा वो देखो सामने दो स्कूटर नजर आ रही हैं। हाँ। उसके बीच से लेकर जाता हूँ मैं गाड़ी को, तुम देखना। संभाल के यहाँ। हाँ देखो। पैसा फालतू है क्या, क्यों बार बार पैसा फूंकना चाहते हो आप? अरे ये तुम्हारी दो बातें बंद नहीं करोगे ना तो बोर हो जाऊंगा, और बोर हो जाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि फिर दो बातें हो जाएंगी। या तो मैं तुम्हारे पीछे जो गैराज है वहां पे ले जाऊंगा गाड़ी को, या जो तुम्हारे सामने गैराज है वहां ले जाऊंगा गाड़ी को। पीछे ले गया तो कोई बात नहीं, सामने ले गया तो दो बातें हो जाएंगी, या तो तुम्हारे यहाँ कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे या आने बंद हो जाएंगे। आने वालों को तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम्हारे यहाँ कस्टमर आने बंद हो जाएंगे। अरे क्यों अपना नुकसान कराना चाहते हो, सीधे सीधे बना दो ना वो एस्टिमेट तो मैं चला जाऊँ इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ। देखो देखो भाई साहब ये इंश्योरेंस लेना आसान नहीं है। अब मैं बोलता हूँ, मैं दिला देता हूँ। जाऊँ मैं क्या? कहाँ? इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले गैराज में। खाली वेली सर बच्चे करते हो यार, अपन बैठा है ना यार, फिर काटते रहना इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर। ठीक है, क्या नाम बताया अपना? मुसद्दीलाल तेंदुलकर। क्या चाहिए? नहीं मुझे एक वो चाहिए फॉर्म। काहे का? ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ओ तो इंश्योरेंस क्लेम कराना। जी कितने का है? यही 7,000 रुपए का है। बस बस
क्या बोलता तू? बोलूं क्या मैं बोलूं? सुन सुना देता क्या 2%? क्यों दूं मैं 2%? अरे क्लेम करेगा धक्के खाएगा मैं यूं ही दिलवा दूंगा। और क्या बोल, क्या बोलता तू? ना मैं ना बोलूं। तो क्लेम नहीं चाहिए क्या? अरे तो 2% क्लेम क्यों दूंगा? तो कितना दोगे? अरे मैं तो 1% भी नहीं दूंगा। अरे सीधे सीधे बोलो ना कि 0.5% दूंगा। कोई बात नहीं, गरीब आदमी हो, माफ के लाओ एडवांस। तो अरे एडवांस एडवांस किस चीज का? मैं तो आधे का 0.5% भी नहीं दूंगा। अरे आधे का आधा तो हम भी नहीं लेते हैं। अरे दे कौन रहा है? अरे क्या है, क्या हुआ? पता नहीं आ जाते कहां कहां से कंगले। बोल रहा मुझे तू? मैं कंगला बोल रहा तू? अरे चला यहां से, दिमाग खराब मत कर, दिमाग तू आदत खराब कर। कंगला किसको बोला? कंगला किसको बोला? किसको कंगला? भाई साहब काम डाउन काम डाउन। यहां कितने लोग हैं? यहां पे 1, 2, 3 लोग हैं। पांडे जी खुद को तो बोलेंगे नहीं। हां ठीक है, नहीं हमको बोलेंगे नहीं। हां ठीक है, नहीं तो फिर समझ जाइए ना किसको बोला। तो फिर पूछा किसको बोला कंगला? अरे बड़े महापुरुष हैं आप, मेरे इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे तो साफ कर दीजिए ना। क्या क्या साफ कर, क्या साफ कर दूं? साफ में माफ माफ कर दीजिए। हाँ आप हाथ वाथ जोड़ रहे हैं तो लगता है थोड़े सभ्य आदमी हैं। ठीक है, माफ कर दिया इनको मैंने, इनको तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन आप वो साफ कर दीजिएगा। तो साफ, आप सफाई कर्मचारी है क्या? जी नहीं, इसीलिए सफाई पे इतना ध्यान दे रहे हैं। सफाई तो रखनी ही चाहिए। भाई साहब कोई काम नहीं है क्या? बेकार है? बेकार नहीं, उकार है मेरे पास। इंश्योरेंस कराने आए हैं? इंश्योरेंस क्लेम लेने आए हैं। भाई गॉड, बड़ी हिम्मत है। हाँ क्या मतलब हिम्मत है आपकी, दाद देते हैं हम। ये लीजिए फॉर्म, ये लीजिए। जी थैंक यू वेरी मच। कितने पैसे दूंगा आपको? फॉर्म वॉर्म का पैसे नहीं लेते हम लोग। भाई कमाल है, पहला ऑफिस ऐसा देखा जहाँ पे फॉर्म के पैसे नहीं लेते। क्योंकि इसके अलावा भी कुछ देते नहीं ना हम लोग। मतलब क्लेम तो दे देते हैं ना, ट्राई करने में क्या हर्ज है? अरे नहीं, वो ऋतिक रोशन वाली वही ना, चैंपियन सिनेमा में लगी है, देखनी है मुझे, लेकिन टिकट ही नहीं मिलती उसकी। कौन जाएगा लाने के लिए? गुड आइडिया, किसी कस्टमर को ही भेज देती हो। नहीं अभी तो कोई नहीं है, एक था उसको सब्जी लाने के लिए भेज दिया है, वो आएगा तो उसी को भेज देती हूँ। आया आया, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। ले आए सब्जी? जी मैडम। गुड, देखो तो क्या क्या लाए हैं। शी 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 शी, ये कैसे टमाटर ले, सड़े हुए टमाटर लेके आए हो? शी, ये लौकी है मैडम। वो क्या, ये वो इतने दिनों से सब्जी ला रहे हो, अभी तक नहीं पता सब्जी कैसी लाई जाती है? जी वो क्या, वो ये सब्जी है? टमाटर तो बिल्कुल ही सड़े हुए हैं। देखिए ना भाई साहब, ये लौकी है। हाँ? तो बिल्कुल तुरई जैसी लगती है लौकी का। किस तरह की सब्जी भेजते हो मैडम को? यही तो। मैं सब्जी नहीं भेजता भाई साहब। तो मेरे घर में चोरी हो गई थी, उसके इंश्योरेंस के क्लेम के चक्कर में 1.5 साल से सब्जियां ला रहा हूँ ये। क्या जी, तब भी नहीं सीखे कि सब्जी कैसी लानी चाहिए? लाओ बाकी के पैसे दे दो। बाकी के पैसे? आपने पैसे ही कहाँ दिए थे? ये सब तो मैं अपनी जेब से लाया हूँ। तो फिर जाओ। कमाल है ना मैडम, अजीब अजीब लोग आते हैं आपके पास। गोभी अच्छी लाया है नहीं? जी हाँ बंद है। हाँ। ये लीजिए। ये क्या है? जी मुसद्दीलाल तेंदुलकर। तो मतलब मेरे पास एक कार है। लगता नहीं आपको देख के। सेकंड हैंड कार खरीदी थी मैंने, उसका कल एक्सीडेंट हो गया। उसका 7,000 रुपए का क्लेम है, वो लेने के लिए मैं आपके पास आया। ओके ओके, मुसद्दीलाल तेंदुलकर, 125 चैंपियन सिनेमा के पीछे मूलगंज। जी ये मेरा पता है। आप चैंपियन सिनेमा के पीछे रहते हैं? जी आप समझ लीजिए कि चैंपियन सिनेमा की और हमारे घर की दीवार बसाई की है। अच्छा। हाँ वहीं बैठे बैठे हम पूरी पिक्चर सुन लेते हैं। सुन लेते हैं? देख तो नहीं सकते ना, लेकिन आवाजें आती रहती हैं। तो चैंपियन सिनेमा में आपकी जान पहचान तो होगी? पहचान पहचान क्या मैडम, बहुत ज्यादा जान पहचान। अच्छा, तो 4 टिकट निकलवा के दीजिए ना। वो ऋतिक रोशन वाली फिल्म लगी है ना उसकी? अरे मैडम उसकी तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, लाठी चार्ज वगैरह हो रहा है, कहाँ से लाऊंगा 4 टिकट? लास्ट में पूरा बिल भरा था मैडम, अब तो मेरी फाइल आगे बढ़वा दो। फाइल आगे बढ़ जाएगी, पहले बिल तो भराओ। जी। अरे देख के भैया, ये लीजिए मैडम। हाँ, मिल गई। तुम्हारी तो बड़ी जबरदस्त जान पहचान है। जी हाँ, बहुत जान पहचान है मेरी। क्या हुआ? वो लाठी नहीं पहचानती थी मुझे। हाँ? वो मेरा फॉर्म। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट, ये आप ही रख लीजिए। जी मैं क्या करूंगा इसका? अब मुझे क्या पता। मतलब ये एक्सीडेंट वाले मैटर तो भाटिया साहब हैंडल करते हैं ना। तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? आपने मौका ही कहाँ दिया, बस टिकट लेने के लिए भाग गए। एनीवे अब भाटिया साहब से मिलो। 30 रुपए का टिकट है, मुंह दे रहा हूँ आपको। थैंक यू। ये फॉर्म तो इनकम्प्लीट है। नहीं कंप्लीट है सर, साथ में समोसे अटैच किए हैं। इनकी एंट्री तो मैं अभी करता हूँ, लेकिन FIR अटैच नहीं की। FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट,
वो पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराई? पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन क्यों सर? एक्सीडेंट का केस है भाई, तहकीकात तो होगी ना। क्या तहकीकात करेंगे वो? आपने किसी को उड़ाया हो तो? नहीं सर, बहुत ही मामूली सा एक्सीडेंट था। मतलब मैंने किसी को नहीं उड़ाया, बहुत ही ज्यादा मामूली एक्सीडेंट था। बहुत ही ज्यादा मामूली एक्सीडेंट था तो फिर 7,000 रुपए का खर्चा कैसे हो गया? तो दरअसल अब हो गया। वही तो, कैसे कैसे हो गया? क्या नंबर बताया था आपने अपनी कार का? जी MMK 1733। ये नंबर आपको कुछ ज्यादा पहचाना नहीं लगता? अरे हाँ, ये नंबर मुझे भी थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। सर ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। नहीं, वो मैं ही कह रहा था कि ये नंबर मुझे जाना पहचाना क्यों लगता है। माफ कीजिएगा, कहीं ये कार चोरी की तो नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं सर आप। ठीक है, आप FIR की कॉपी निकलवाइए। तो सर कब तक मिल जाएगा क्लेम? अरे भाई अभी तो मुलाकात हुई है, आप FIR की कॉपी निकलवाएंगे, फाइल बनाएंगे, फाइल आगे बढ़ेगी, उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर ने शुक्ला जी इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट पांडे जी उषा जी तक पहुंचाएंगे, उषा जी मेरे तक पहुंचाएंगी, फिर मैं रिपोर्ट पढ़ के तय करूंगा कि क्या केस है। शुक्ला जी ये देखिए, ये हेडलाइट, हेडलाइट देखिए टूटी हुई है, टूटी हुई है हेडलाइट। और ये डेंट, डेंट उस तरफ। पटेल, पटेल जरा डेंट दिखाओ ना इनको यार, डेंट। इधर एक डेंट है देखो इधर। अरे एक वहीं नहीं है, वहां पे भी है, उधर पीछे भी है, इधर भी है, डेंट ही डेंट है गाड़ी के अंदर। भाई साहब 1,000 रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं है इसमें। 1,000 रुपए? पटेल बताओ ना, क्लेम 7,000 रुपए का है। गुरु तुम अपना भी प्रॉफिट लगा के पटेल। शुक्ला जी क्या आप तो जानते हैं। अरे भाई ओ, सबके लिए ठंडा लाओ भाई। लेकिन ये जो है नहीं हो सकता। अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, ठंडा पीजिए, ठंडा पीजिए आप। भाई 7,000 का क्लेम कराना हमारे बस में नहीं है भाई साहब। अरे सब बस में, आप तो मालिक हैं हुजूर। कदम से बोल रहा हूँ, टोटल फ्रॉड केस है, खुदे 4-5 डेंट मार करके एक्सीडेंट क्लेम करने चल दिए ना। नहीं नहीं नहीं, आप वो देखिए ना, उसके अंदर मैंने वो FIR दर्ज कराई है, पर्ची है उसके अंदर। अरे भाई जान, ऐसे ऐसे FIR तो 50 रुपए में बनते। 50 रुपए में? मैंने तो 500 रुपए दिए। कहाँ? नहीं मतलब ये है कि एक्सीडेंट तो हुआ था ना। कैसे? कैसे क्या है कि कल रात को मैं अपनी बीवी के साथ जा रहा था, तो सामने से 2 मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, मतलब उनकी हेडलाइट मुझे दिखाई दी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी जो है उनके बीच में से कट करके ले जाता हूँ। तो मैं बीच में से कट करने गया तो पता चला कि वो 2 हेडलाइट्स और मोटरसाइकिल जो हैं उनके बीच में कोई जगह ही नहीं थी। कौन की मोटरसाइकिल थी? नहीं वो क्या है ना शुक्ला जी, वो क्या है, वो मोटरसाइकिल नहीं थी, वो बस थी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने बड़े बस से गाड़ी टूके और इतना सा डैमेज। नहीं पॉसिबल, पॉसिबल है। बस चल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। महान है आप भाई साहब, मतलब खड़ी बस में बड़ा ठोक दी। बताइए शुक्ला जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप ये क्लेम पास कर दीजिए। पटेल पान खिलाओ यार। एमुन्ना इधर पान लेके आओ साहब के लिए, ये लो 10 रुपए। पान लेके ना जल्दी, जरा जल्दी। हाँ साहब आप पास कर दीजिए साहब प्लीज। अरे साहब आप तो ऐसे पास कर दीजिए, पास कर दीजिए बोलने लगे हाई स्कूल फेल हो गए। चलिए मैं आपको गुरु मान लेता हूँ और मैं शिष्य हूँ, अब तो पास कर दीजिए। पढ़ा लिखा आदमी है। जी हाँ जी हाँ। लेकिन जनरल नॉलेज थोड़ी शॉर्टेज है आपकी। जी हाँ जी हाँ। और क्यों? देखो क्या है कि बिना गुरु दक्षिणा के कोई गुरु पास करता है क्या? मैं समझा ना। अरे यार पटेल समझाओ यार, इस आत्मा को समझाओ। आइए आइए साहब, क्या आप भी, ये शुक्ला है ना खाता बहुत है। हाँ देख रहा हूँ मैं, पान खा रहा है तब से, और मंगा लिया। पान तो खाता ही है लेकिन माल बहुत खाता है, बिना खाए कोई काम करता नहीं है ये। अच्छा अच्छा, मतलब रिश्वत घूस? मतलब वैसे एकदम सीधा आदमी है, बहुत भोला आदमी है लेकिन काम एकदम सॉलिड करता है। मैं 5% लूंगा, बोलो बात करूं। नहीं बात क्या करनी है, मैं कर लेता हूं बात। शुक्ला कितना खाता है? क्या नहीं, मतलब मेरा मतलब ये था कि भाई ये बात आपको जरा पहले बता देनी चाहिए थी ना। शुक्ला जी देखो ये मेरा पहचान वाला आदमी है, कुछ नहीं करेगा, किसी को कुछ नहीं बताएगा, डोंट वरी। ओ भैया मुटड्डी लाल जी, आपका 7,000 का क्लेम हम पास करेंगे। अरे क्या बोल रही? अरे मेरी जान, सीधा 20,000 का क्लेम पास करेंगे। क्लेम तो हमारा 7,000 रुपए का, तो 20,000 का क्यों करेंगे? 7,000 तुम्हारे, 3,000 हमारे, 10,000 हमारे, बोलो मंजूर? मंजूर। अरे कितना चेक करेंगी मैडम, क्लेम रियल है? हाँ देखना पड़ता है ना कितना रियल है वो। अरे तो शुक्ला जी ने देखा तो है? यही तो, इसलिए तो देखना पड़ रहा है जी। कितना दिया शुक्ला को? क्या दिया? ईमानदारी से बताओ कितना दिया? अरे हमने कहाँ दिया, उसने खुद ही ले लिया। अच्छा हाँ। कितना दिया? 10,000। अच्छा तो उसे बिना मांगे दिया और हम मांग रहे तब भी? आपने मांगा कहाँ है? हमने नहीं मांगा ना। तो अब मांगते हैं, दो। कितना? खुद ही समझदार हो। नहीं ये बताइए आप खाती कितना है?
जो है ना उसका 2% दे दो। अरे 2% दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। नहीं मगर फिर भी हाँ तो लाते रहो सब्जी। नहीं अच्छा ठीक है दो एडवांस। अरे अभी नहीं है कल ला दूंगा। ठीक है फिर परसों पांडे जी से फाइल ले जाना। ओके अरे पांडे जी जब 10-20 रुपए लेने हैं लो और फाइल आगे बढ़ाओ भाई। 10-20 की तुम डेली खैनी खा जाते हैं तो क्या परसेंटेज की बात करो परसेंटेज की। अच्छा आधा परसेंट? आधा नहीं आधा तब था अब 1%। अरे अपनी औकात देखिए तुमने अपनी। मेरी छोड़ो अपनी देखो 1% दे नहीं सकते औकात की बात कर रहे हैं क्या? क्या क्या तुम्हारी तरह सेकेंड हैंड गाड़ी में नहीं घूमता हूँ। नई कार ले रखी है मैंने और वो भी बिना इंस्टॉलमेंट के। ये देखो चाबी ये जाओ रास्ता नापो। अरे मैं रास्ता नापू? तू जानता नहीं है मुझे मुसद्दीलाल तेंदुलकर नाम है मेरा। मुसद्दीलाल तेंदुलकर? तू ऐसे कह रहा है जैसे सचिन तेंदुलकर का रिश्तेदार है। तो तू पांडे ऐसे कह रहा है जैसे मंगल पांडे का रिश्तेदार है। देख तेंदुलकर तेरे नाम के आगे तेंदुलकर लगा इसलिए इज्जत कर रहा हूँ वरना पांडे के आगे जीने लगाने की वो सजा देता। वो सजा दे तू देगा सजा मुझे? तू सजा देगा? तेरी औकात क्या है? दो कोड़ी का पियन खाकी ड्रेस गरीब पांडे की औलाद। तेंदुलकर पांडे पैंट बनो पैंट से बाहर निकलने की कोशिश मत कर वरना। अरे वरना क्या अगर मैं पैंट खोल दूंगा तो मेरा क्या कर लेगा? अरे भाई साहब आपकी समस्या क्या है? चपरासी देखते ही लड़ाई करने लगते हो। चपरासियों से खानदानी प्रॉब्लम है क्या? अरे इसको समझा दीजिए वरना इस बार माफ नहीं करूंगा मैं इसको। आप इसको साफ कर दीजिए भाई साहब। मतलब आप बीच बचाव नहीं करेंगे? अरे मेरे हाथ से खून हो जाएगा एक आदमी का। खून हो जाएगा शुक्ला जी। चलो छोड़िए पांडे जी मैंने आपको माफ कर दिया। आपने भी पांडे के आगे जी लगा? मैंने भी माफ कर दिया। तो बताइए वो फाइल कहाँ है? आधा परसेंट कहाँ है? अरे आधा परसेंट मैं जेब में लिए घूम रहा हूँ। ये लीजिए आप। फाइल भी भाटिया जी के पास है। ये डैमेज क्लेम 7,000 से 20,000 कैसे हो गया? ये तो जी शुक्ला जी ने बनाया आप उन्हीं से पूछ लीजिए। उनकी जेब से क्या जाता है? नहीं नहीं उनकी जेब के अंदर जाता है। मतलब वो जब उन्होंने कार को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं इसका बिल्कुल सही एस्टिमेट बना के देता हूँ। अभी पता चल जाएगा। पांडे पांडे जी 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 आप जी 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 क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बुला रहा हूँ। नहीं नहीं पांडे को बुलाने के लिए पांडे जी कहिए। हाँ कितने दिन से आ रहे हैं ऑफिस में? यही 7-8 महीने से। बहुत जल्दी पिकअप किया आपने पांडे जी। अरे मैं जी आपको किसने बुलाया था? हाँ चाय और समोसे ले आओ। नहीं नहीं मेरा ख्याल है आपने पांडे जी को शुक्ला जी को बुलाने के लिए बुलाया था। आप जाइए आप जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं शुक्ला जी को बुलाने के लिए पांडे जी को क्यों बुलाऊंगा बताइए? मैं शुक्ला जी को बुलाने के लिए शुक्ला जी को ही बुलाऊंगा ना। आपकी बीवी आपको बुलाने के लिए किसी और का नाम लेके बुलाती है क्या बताइए? जी नहीं। नहीं ना आप ही का नाम लेके बुलाती है ना? जी नहीं। मतलब तो मेरी बीवी मुझे बुलाती ही नहीं है। आई एम सॉरी। इट्स ओके इट्स ओके सैड बट डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। मेरे क्लेम का क्या होगा? अबे कहाँ सरकार अभी तो आपकी कार का इंस्पेक्शन होगा कि डैमेज क्लेम 7,000 से 20,000 कैसे हो गया देखना पड़ेगा। जी पटेल लिस्ट बनाओ भाई। जी सर। देखो बोनट के ऊपर एक समोसे के साइज का डेंट और बम्पर के ऊपर एक रसगुल्ले के साइज का डेंट। जी सर आप जरा ध्यान से देखें तो पीछे एक कलिंगड़ के साइज का डेंट भी है। अब वो नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा। क्या कलिंगड़? इसका तो मौसम नहीं है ना सर। जब मौसम ही नहीं है तो कलिंगड़ के साइज का डेंट कैसे पड़ गया? ये क्लेम पास नहीं हो सकता। अरे नहीं भाटिया साहब ऐसा मत कीजिए बहुत ज्यादा खर्चा है बहुत ज्यादा खर्चा। अरे कितना खर्चा बता ना यार पटेल। अरे इतना हो गया जितने का क्लेम किया है ना उतने का हो गया तो फ्रॉड है ना। अरे भाई क्लेम तो जेन्युइन है शुक्ला ने 10,000 खाए पास तो करना पड़ेगा भाटिया साहब। ना ना इसकी जांच होगी भाई बोलो पटेल बोलो। हाँ तो जांच करिए ना सब झूठ है। ये पास हो ही नहीं सकता क्लेम भाई। अरे लेकिन शुक्ला जी ने तो पास कर दिया था। मैं फेल करता हूँ मतलब। अरे शुक्ला जी टीचर है ना तो ये हेडमास्टर है। ओहो अच्छा हेडमास्टर जी मेरा क्लेम पास कर दीजिए। आप डेली मेरे को हेडमास्टर बोल रहे हैं समझा दो इसको। क्या फिर से आप हाई स्कूल फेल की तरह बिहेव कर रहे हैं? आइए मैं आपको समझा रहा हूँ। वहीं जा तुम वहीं से बता दो कितना खाता है ये। अरे हाँ हाँ यही तो बताने के लिए यहाँ पे आ रहा था कि तुम कितना खाते हो। एक मिनट मैं आपको ये समझाने वाला था कि ये खाते नहीं है। क्या मुझको रिश्वत? अरे तू भी फेल तेरा क्लेम भी फेल तेरी कार भी फेल तेरा रसगुल्ला फेल तेरा समोसा फेल। अरे भैया साहब ऐसा मत कीजिए प्लीज प्लीज बता दे ऐसा मत कीजिए। ये 10,000 रुपया खर्च हुआ कार को तोड़वाने में आप 20,000 रुपए का क्लेम दे दीजिए प्लीज। अच्छा मतलब गाड़ी भी खुद तोड़ी है? नहीं अरे ये तो बौखला गया है। हाँ हाँ मैं तो बौखला गया हूँ। देखिए मैं आपके ऑफिस के चक्कर लगाता एकदम बौखला गया हूँ बल्कि क्या उसको कहते हैं मैं चक्कर घिन्नी हो गया हूँ। आप अरे पटेल बता ना यार इसको अपनी लैंग्वेज में समझाओ ना यार। मैं क्या समझाऊँ बता दो ना वरना दो बातें हो जाएंगी।
भाई भाटिया साहब, भाई इनका क्लेम पास कर दीजिए, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो ये आपके ऑफिस के चक्कर काटेगा या तो भूल जाएगा। भूलूंगा क्यों, और ऑफिस के चक्कर काटे तो दो बातें होगी, या तो ये डेली आएगा या तो वीकली आएगा। वीकली आया तो ठीक, डेली आया तो दो बातें होगी, या तो ये आपके लिए रोज समोसे लाएगा या तो रसगुल्ले लाएगा। समोसे लाया तो ठीक, और रसगुल्ले लाया तो दो बातें होगी, या तो आपको डायबिटीज होगी या तो नहीं होगी। अरे होगी कैसे नहीं, खिला खिला के रसगुल्ले डायबिटीज कर दूंगा। और अपने आप हुई तो? अरे क्यों, अरे क्यों क्यों भाटिया साहब, आप डायबिटीज जैसी बीमारी के साथ मरना क्यों चाहते हैं? बेचारे का क्लेम पास कर दीजिए, गरीब आदमी है। एक मिनट, मैं तुम्हारा 20,000 का क्लेम पास नहीं करूंगा। पटेल क्या यार, मैं 40,000 का क्लेम पास करूंगा। पटेल क्या यार, 15,000 मेरे को देने पड़ेंगे। और आप तो खाते नहीं? मैं समोसे तो खाता हूँ ना। चलो ठीक है, भाई साहब वो अपना 3 तय हुआ था ना, वो उसका 5 कर देना। सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर दो बातें हो जाएगी, समझे? दिए 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 दिए। लेकिन एक मिनट यार, ये थोड़ा कम लगता है, 40,000 का नुकसान नहीं लगता ये। एक काम करो, इसको थोड़ा रियल बनाओ, रियल। थोड़ा कम है ना? थोड़ा कम। पटेल ये रॉड लीजिए, हो जाओ शुरू खपा खप। यहीं से स्टार्ट करता हूँ फिर मैं। लाल जी, अरे भाटिया जी, ये रहा आपका 40,000 रुपए का चेक सर। लेकिन ये चेक हम आपको ऐसे नहीं देंगे, ये चेक आपको ऊषा जी देंगे। ऊषा जी, भाटिया जी, ये चेक की एंट्री कर लीजिए और इनके साइन ले लीजिए। जी, अब तो आपको कोई कंप्लेन नहीं ना इंश्योरेंस के खिलाफ? अरे नहीं नहीं, आप लोगों के रहते कैसे हो सकती है। अब तो गाड़ी झिनचक हो जाएगी इनकी। लेकिन इनकी गाड़ी का नंबर MMK 1733। आपको अपना लगे ना लगे, पता नहीं क्यों मुझे अपना सा लगता है। ये अपनी कंपनी की गाड़ी थी, पिछले साल ऑक्शन में पटेल ने खरीदी 20,000 में। हाँ, फिर मैंने इनको 25,000 में चिपकाई थी, बेची थी। पांडे जी, अब बता रहे हैं आप, ये वही गाड़ी है जो हमने 20,000 रुपए में बेची थी? लोटा, उसका एक्सीडेंट क्लेम 40,000 रुपए। यही तो मैं सोचूं, मेरे हाथ एंट्री क्यों नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ गड़बड़ क्या है भाई, ये क्लेम तो पास ही नहीं हो सकता। क्यों? अरे भैया, जो चीज 20,000 में बेची गई है उसका एक्सीडेंट क्लेम 40,000 रुपए, मरवाइए क्या हम लोगों को, अपनी नौकरी चली जाएगी। नहीं देखिए, इसका क्लेम सिर्फ 7,000 तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्या शुक्ला जी, इनका 7,000 रुपए का चेक बनवा दीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर आप, सर आप क्या कह रहे हैं प्लीज। अरे अरे सर, आपको आपका एक्चुअल क्लेम तो मिल रहा है ना, 7,000 रुपए जो आपने पिछले साल पहले महीने में किया था। नहीं नहीं, लेकिन मैं दो बार उसके बाद गाड़ी तोड़ चुका हूँ, तो अब कम से कम 12,000 रुपए तो लगेंगे गाड़ी बनवाने में। अरे तो भाई साहब, हम क्या करें, इंश्योरेंस कंपनी को धोखा दे दें। अरे पैसे खाए हैं आपने? मैंने, हमने तो समोसे खाए थे। हम तो सिर्फ भैया पान खाए, हमने तो 0.5% खाया। मैंने तो सिर्फ 2% ही खाए थे। अरे मैंने तो कुछ नहीं खाया। अरे तो फिर किसने खाया है? आपने। मैंने मैंने क्या खाया है? चक्कर।